पिछले हफ्ते जनसुनवाई में गंज बासौदा के पास ग्राम रसूलपुर की छात्रावास प्रभारी पर रसोइयों ने उसके बैंक खाते में फर्जी तरीके से राशि डालने और उस राशि को वापस मांगे जाने की शिकायत जनसुनवाई के दौरान SDM रोशन रॉय ने की थी। मामला सामने आने पर विभाग ने उक्त मामले की जांच शुरू कर दी है, लेकिन छात्रावास अधीक्षक साधना दास ने जनसुनवाई पहुंचकर SDM रोशन रॉय को शिकायती आवेदन दिया, जिसमें उन्होंने झूठी शिकायत करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। रसूलपुर छात्रावास प्रभारी साधना दास ने SDM रोशन रॉय को दिए आवेदन में बताया कि रसोइयों ने उनके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो निराधार हैं। उन्होंने झूठी शिकायत करने वालों पर कार्रवाई करने की मांग की है। साधना दास का कहना है कि कुछ दिनों पहले रसोइयों ने प्रशासन को एक शिकायती आवेदन दिया था, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि अधीक्षक द्वारा उनके बैंक खाते में अवैध तरीके से राशि डाल दी गई थी और उस राशि को खाते से निकाल कर उक्त राशि अधीक्षक द्वारा वापस मांगी जा रही है। लेकिन इसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान अधीक्षक ने बताया कि उन्होंने खाना बनाने के एवज में रसोइयों का भुगतान किया था। जब वह यहां आई थी तो रसोइयों ने 500 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान मांग रही थी, जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं था। लेकिन रसोइया लंबे समय से छात्रावास में काम करती आ रही थी। उन्होंने कहा कि इससे कम में कोई रसोइया मिलती है तो उनसे काम करवा लें, लेकिन उनका भुगतान हमारे बैंक के अकाउंट में ही होगा और वह निकाल कर ही देंगे। वहीं अधीक्षक ने इस प्रस्ताव को उनके छात्रावास समिति और अधिकारियों तक पहुंचाया और उनका प्रस्ताव मान लिया गया। उन्होंने कहा कि एक बाई ने तो पैसे निकाल कर दूसरे बाई को दे दिए, लेकिन दूसरी रसोईया किसी के बहकावे में है और वह पैसा निकाल कर नहीं दे रही। छात्रावास प्रभारी साधना दास ने बताया कि मेरे ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो गलत है। उसके मंसूबे मुझे ज्ञात नहीं है, लेकिन जो भी कोई कारण है वो लगातार मेरे पीछे पड़ा है और तरह तरह के षड्यंत्र मेरे खिलाफ करता जा रहा है, जिसका आज मैंने आवेदन प्रस्तुत किया। पूर्व में भी कुछ आरोप लगे हैं, क्या वो गलत है, निराधार है? आज जो बिल्कुल बिल्कुल पूरी तरह से निराधार हैं। मेरे विभागीय जो भी जांच समितियां मेरे छात्रावास पहुंची हैं, उनको मैंने हर एक शिकायत का पूरा प्रूफ दिया है और मेरे द्वारा दी गई जो भी सफाई है, जो भी सबूत, जो भी साक्ष्य मैंने दिए हैं, उससे जांच समिति जो SDM महोदय के यहाँ से भी पहुँची हैं, जो अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से भी पहुँची हैं, DO साहब के यहाँ से भी पहुँची हैं, सब में मैं निर्दोष पाई गई हूँ। आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आपने अपने कर्मचारियों के खाते में पैसे डाले थे, उनसे पैसे की बिल्कुल बिल्कुल डाले हैं मैंने, लेकिन वो नाजायज पैसे नहीं थे। वो कर्मचारी मेरे यहाँ पूर्व से ही काम करते चले आ रहे थे और उनका कहीं ना कहीं ये मानना था कि नई वार्डन आई है जो कि हमें हटा देंगी। और जब हम लोग वहाँ रुकते थे तो काम के दौरान मैंने उनसे याचना की कि वो हॉस्टल में आके काम करें, तो उन्होंने मुझसे 500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से मांग रखी मानदेय की, जो कि मैं नहीं दे सकती थी उनको। तो उनका कहना ये था कि ठीक है मैडम, अगर इससे कम में कोई करता है तो करवा लो, जो आप पेमेंट उसे करेंगी वो आप हमारे ही खाते में देंगी और हम ही उनको देंगे क्योंकि हम यहाँ की बाई हैं। इस प्रपोजल को मैंने छात्रावास समिति प्रबंधन में रखा, जहाँ वो पारित पास हुआ। पास होने के बाद फिर वो पैसा है उनके खाते में दिया गया, जिसमें उनकी स्वीकृति थी कि हाँ ये खाते में हमारे दिया जाए और हम जो भी हमारे बदले में जो काम करेंगे हम उनको प्रदान करेंगे। एक भाई ने तो दे दिए हैं, दूसरी पता नहीं किसके बहकावे में है, जो कि वो इस तरह की आपके पास कोई लिखित प्रमाण? बिल्कुल लिखित प्रमाण है, मैंने अपने आवेदन में सारे साक्ष्य दिए हैं जो मेरे निर्दोष होने की पुष्टि करते हैं। और अभी जो समिति आई थी विदिशा से आपकी जांच करने, उसमें क्या हुआ? बिल्कुल वो समिति पूरी तरह से संतुष्ट है मेरे कार्य से और जो भी दस्तावेज मैंने उनको प्रस्तुत किए हैं वो पूरी तरह से संतुष्ट हैं और उनका ये मानना है कि ये मेरे प्रति षड्यंत्र किया जा रहा है। क्या चाहती हैं? अब मैं ये चाहती हूँ कि इस षड्यंत्रकारी विशाल अहिरवार, चुन्नीलाल अहिरवार जो उसका एक्चुअल नाम है, विशाल पेंटर के नाम से फेमस है, प्लस ये दोनों भाइयाँ जो इस तरह के षड्यंत्र करके किसी के भी भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही हैं, अगर इनके लिए कोई उचित चेतावनी है तो वो दी जाए, सजा है तो वो दी जाए, ताकि कभी भी इस तरह से किसी निर्दोष को परेशान ना किया जाए। ऑनलाइन भारत के लिए अनुज रघुवंशी की रिपोर्ट। कल महालक्ष्मी पर्व पर व्रत और पूजन के लिए महिलाएं और पुरुष कल मंगलवार 28 सितंबर 2021 को गंज बासौदा की तेतवा स्नान के लिए गई महिलाओं में से चार महिलाएं नदी के बहाव के कारण अपना संतुलन खो बैठी और नदी में डूबने लगी। उन्हें डूबते हुए देखकर वहां पर उपस्थित निरंजन सिंह रघुवंशी, जो स्वास्थ्य विभाग MPS त्योंदा और बासौदा में पोस्टेड है, उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए बेतवा नदी में छलांग लगा दी और डूबते हुए उन सभी महिलाओं की जान बचा ली। उनके इस कार्य से जहां इनके घर वाले
ने श्री रघुवंशी जी का दिल से धन्यवाद दिया। वहीं बासौदा नगर वासियों ने उनके इस कार्य की प्रशंसा की। चारों महिलाएं वार्ड नंबर 1 के फ्री गंज बासौदा की निवासी है, जिनके नाम सरूखी उषा बाई, पत्नी सुरखी रेकावर 45 वर्ष, मोनिका पुत्री दशरथ कुशवाहा उम्र 21 वर्ष, लीला बाई पति सोमत सिंह उम्र 50 वर्ष, सलोनी पुत्र सोमत सिंह उम्र 16 वर्ष है। इनमें से उषा बाई पति सुरखी रेकावर भोपाल में अपना इलाज करवा रही है और शेष सभी अपने घर पर सुरक्षित है। कौन कौन थे तुम्हारे साथ? कौन कौन थे तुम्हारे साथ देवे में? तीनों थे। लीला भाई नाम बोल दो बेटा। चार थे, नाम बताओ। उषा भाई है, एक उषा भाई, चार लोग थे। काफी दूर तक पानी में निकल गई थी, बह गई थी। आप ठीक हो? चलो बेटा, तुम नंबर बता दो। तुम्हारा कितना नंबर है? आ9 भारत के लिए अनुज रघुवंशी की रिपोर्ट।